बात कर लेते हैं बिजनेस की। शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो, एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया। हालांकि मेटल, रियल्टी और फार्मा शेयरों में खरीदारी ने बाजार को थोड़ा सपोर्ट किया। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने के कारण चिंता पैदा हुई है। फ्रांस ने 1 दिसंबर तक लॉकडाउन लगा दिया है, इससे वहां आर्थिक गतिविधियां भी ठप पड़ गई हैं। आज सेंसेक्स 136 अंक फिसलकर 39,614 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 28 अंक गिरकर 11,642 के स्तर पर बंद हुआ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर गोयल ने कहा कि सरकार ने प्याज, दाल और आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 7,000 मीट्रिक टन प्याज का इंपोर्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले 25,000 मीट्रिक टन और प्याज भारत में आएगा। You are all aware there's been an unseasonal rain which affected several onion producing areas in October. This was predicted by the meteorological department in September, which is why we had brought in the necessary measures. NAFED is supplying onion. They have supplied 37,000 tons through the state bodies in different parts of the country. Those have been at very, very attractive prices, which have helped keep the market prices stable. The sugar subsidy currently is not under consideration because sugar prices internationally are stable and sugar is being exported. If there is any requirement or need, government will examine it at the right time. रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के सौदे पर आपत्ति जताए जाने के बाद बीएसई ने सेबी ने सलाह लेने का फैसला किया है। साथ ही सेबी से इस सौदे पर फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज से स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। एक्सचेंज के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने अमेजॉन की अपील पर रिलायंस फ्यूचर सौदे को पूरा करने पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बावजूद रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप ने इस सौदे को तय समय पर पूरा करने की बात कही है। इसके बाद अमेजॉन ने सेबी और बीएसई से इस सौदे को होल्ड करने की अपील की। केंद्र सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का दायरा बढ़ा दिया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और राज्यों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह इन कर्मचारियों को भी एलटीसी फेयर के एवज में इनकम टैक्स छूट देने का फैसला किया गया है। हालांकि अधिकतम 36,000 रुपये इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। जिन लोगों ने एग्जेम्पशन फ्री रेट चुना है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जीएसटी का बिल भी कर्मचारियों को पेश करना होगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित लोन पर ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि फसल और ट्रैक्टर लोन कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में आते हैं। ये उन सेगमेंट में नहीं है जिसे इस स्कीम के तहत योग्य माना गया है। सरकार ने 8 सेगमेंट्स को इस स्कीम के दायरे में रखा है। इसके तहत एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया, ऑटोमोबाइल लोन, प्रोफेशनल के लिए पर्सनल लोन, प्रोफेशन के लिए पर्सनल लोन और कंजम्पशन लोन इसमें शामिल है। दुनिया की 5 बेहतर बायोटेक कंपनियों की सूची में भारत की बायोकॉन को भी स्थान मिला है। अमेरिका की साइंस पत्रिका के सालाना साइंस करियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स की सूची में इस साल बायोटेक को 5वें स्थान पर रखा गया है। बायोकॉन के मुताबिक इस साल की लिस्ट में टॉप 5 ग्लोबल कंपनियों में रीजनरॉन, एलनीलैम, इनसाइड, सिंजेटा और बायोकॉन शामिल हैं। बायोकॉन से पीछे रह गई कंपनियों में नोवो नॉर्डिस्क, रोचे, एली लिली, एबॉट, नोवार्टिस और फाइजर शामिल हैं। कोरोना संकट के बीच कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने सोना बेचने की शुरुआत की है। साल 2010 के बाद पहली बार केंद्रीय बैंक सोना बेच रहे हैं। तीसरी तिमाही में अब तक 12 टन सोने की बिक्री केंद्रीय बैंकों ने की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों के केंद्रीय बैंक ने सोना बेचना शुरू किया है उसमें उज्बेकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। रूस के भी केंद्रीय बैंक ने पिछले 13 सालों में पहली बार सोना बेचा है। एनालिस्ट के मुताबिक सोने की बढ़ती कीमतों के कारण बैंकों ने इसकी बिक्री शुरू की। जुलाई सितंबर तिमाही में यूरोजोन की इकोनॉमी में उम्मीद से बेहतर रिकवर हुई है।
और इससे पहले कोरोना महामारी के चलते इस क्षेत्र की जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिली थी। यूरोपियन यूनियन के स्टैटिस्टिक्स विभाग की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक जीडीपी की रिकवरी में इटली, फ्रांस और स्पेन की सबसे अहम भूमिका रही है। यूरोजोन की जीडीपी तीसरी तिमाही में 12.7% की ग्रोथ है। इससे पहले जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी में 11.8% की गिरावट देखने को मिली थी। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड कमाई की है। कंपनी को सितंबर तिमाही में 6,470 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल हुआ है। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से बिक्री प्रभावित होने के बाद भी कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी के मजबूत प्रदर्शन के पीछे भारतीय बाजार का बड़ा योगदान रहा। आपको बता दें कि इस तिमाही के दौरान आईफोन की ग्लोबल बिक्री में 20% से ज्यादा की गिरावट है। कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन खरीदारी का चलन तेजी से बढ़ा है। जुलाई सितंबर तिमाही में अमेजॉन की बिक्री 37% बढ़कर $96 बिलियन हो गई। कंपनी ने उम्मीद जाहिर की कि चौथी तिमाही में बिक्री का आंकड़ा बढ़कर $112 बिलियन और $121 बिलियन के बीच हो सकता है। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट इनकम बढ़कर $6.3 बिलियन हो गया। कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस ने बताया कि क्रिसमस के दौरान ग्राहक गिफ्ट की खरीदारी करेंगे। इससे उम्मीद है कि बिक्री और बढ़ सकती है।